Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is your Savage Shah और आज का वीडियो है एक अनबॉक्सिंग वीडियो. आई डिड ऑर्डर वन थिंग जो एक हेयर रिमूवल चीज़ है जो मैंने देखी, मैंने वो 4-5 बार देखी थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ ऑर्डर करनी चाहिए क्योंकि वो क्लेम करती थी इट्स अ पेनलेस हेयर रिमूवल ब्रश और द कंपनी नेम इज़ डेजी स्किन. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ऑर्डर कर दिया और द पार्सल हैज अराइव. दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स. इसको हम करेंगे अनपैक और फिर इसको ट्राई भी करेंगे और देखेंगे कैसे रिजल्ट देता है ये. This is how the outer packing looks. छोटू सा है यार, बहुत छोटा है. I don't know if this will work. ये ब्लू कलर का है, इस पे लिखा था पिंक. Okay, disappointed. अच्छा ये ऐसा दिखता है. That's the entire look. Not bad. इस पे मेरे को इंस्ट्रक्शंस पढ़ना पड़ेगा इसको यूज़ कैसे करते हैं. ओके, तो इस पे ऐसा बोला है कि सबसे पहला स्टेप है ट्रीट बाय वार्म वाटर. मतलब हम लोग को बेसिकली जो भी एरिया हम लोग शेव करना चाहते हैं उसको पानी से भिगोना है, गर्म पानी से, वार्म वाटर बोला है. सेकेंड स्टेप इज रिमूव दी हेयर. थर्ड स्टेप इट ऑल्सो रिमूव कैलस. तो कैलस बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के चमड़ी के बीच में ये एक स्पॉट हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है, उसको कैलस बोलते हैं. वो हाथ और पैर दोनों जगह पे होता है तो वो भी ये रिमूव करता है. एंड यूज लोशन आफ्टर रिमूवल. तो आफ्टर रिमूवल ऑफ कोर्स लोशन या मॉइस्चराइजर कुछ ना कुछ तो लगाते हैं. लेट्स गिव इट अ ट्राई, कम ऑन. इट आस्क्स टू फर्स्ट अप्लाई सम वार्म वाटर एंड देन उसको यूज कर सकते हैं. आई एम अप्लाइंग वार्म वाटर और फिर इसको लेके ये देखो थोड़े थोड़े बाल है, ज्यादा नहीं है बट ठीक है. लेट अस वी विल हैव टू ट्राई. ओ इट क्लेम्स टू रिमूव डेड स्किन आल्सो. सो या गो ऑन यार, बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है इसके लिए. डेड स्किन तो आ रही है बाहर. डू इट मोर. ये गंदा हो चुका है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बाल काफी सारे निकल गए हैं. इट इज नाइस बट एज यू कैन सी कि थोड़ा सा देखो मेरा हाथ ना आपको रेडनेस लग रही है. एक सेकंड मुझे साफ करना पड़ेगा. पर एज यू गाइस कैन सी बाल तो सारे निकल गए पर ये रेडनेस आ गई. और मैंने आपको बोला व्हेन आई वाज ट्राइंग इट बहुत ज्यादा हार्ड प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है टू गेट द डेड स्किन आउट एंड ऑल्सो दिस रियली हर्ट्स. सो इट्स अ नो, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस प्रोडक्ट क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है. स्टिल आई डोंट नो व्हाई दीज आर रेड पैचेस दैट आर कमिंग. अभी तो मैंने जस्ट चीज़ें अप्लाई की है, मशीन अभी जस्ट मैंने यूज़ किया है और उसके थोड़े टाइम बाद ही ये हाल है. मुझे एक्चुअली घिसा हुआ या छिला हुआ फील हो रहा है. तो दिस इज़ अ बिग नो. अगर कोई भी मशीन आपको ऐसे मिलती है जिसमें आपको बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है, वो मशीन प्लीज़ मत अप्लाई कीजिए अपने स्किन पे, मत लगाइए उसको अपने स्किन पे. सो दिस क्रिस्टल हेयर रिमूवल इज़ अ बिग नो फॉर मी बिकॉज इससे मेरी स्किन डैमेज हो रही है. डेड स्किन सेल्स डेफिनेटली निकल रहे हैं पर इसको फिर हम कैसे यूज़ करेंगे. तो आई विल यूज़ दिस ऑन द बैक साइड ऑफ माई फुट. यहाँ पे स्किन हार्ड होती है और आप थोड़ा सा हार्ड यू नो प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. बाकी आई डोंट थिंक आई एम गोना यूज दिस फॉर माय बॉडी बिकॉज सी ऑलरेडी माय हैंड्स आर रेड एंड आई डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक द फीलिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे को फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है अभी इस पर जाके आइस लगा दूँ. तो इट्स अ बिग नो फॉर मी फॉर दिस क्रिस्टल हेयर रिमूवल ब्रश और व्हाटएवर. सो मत वेस्ट कीजिएगा अपने पैसे बिकॉज सही में बहुत हर्ट होता है. हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके लेग्स क्लीन रहे, कैलस साफ करना है तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आई वॉज एबल टू
give you the best and the correct kind of information for this hair removal brush. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such entertaining and informative videos. I love you guys. Stay healthy, stay blessed, and yes, a lot of more videos are coming on the way. Thank you so much for watching. Bye.